हाय फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ एक क्विक सी रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। सबसे पहले आप जितना पास्ता बॉईल करते हैं उतना पास्ता निकाल के रख लें। उसके बाद क्विक सी चॉपिंग कर लें, जो भी वेजीज आपको पसंद है वो आप डालें। जो बच्चे आपके मना करते हैं या नखरे करते हैं ना, वो सब खाएंगे। आप उन्हें बस खूब सारी वेजीज डाल के नाश्ता बनाना शुरू करिए। धीरे धीरे बच्चों की आदत चेंज होती जाएगी और वो भी ये वेजीज को एंजॉय करेंगे। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं जो शुरुआत में सारी सब्जियां बाहर निकाल देते थे, लेकिन अब सारी सब्जियां वो खाते हैं और बोलते हैं वेजिटेबल वाला ही बनाना। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेल पेपर्स चॉप कर ली है, इसी के साथ मैं एक प्याज को भी बारीक चॉप कर लूँगी और मैं इसी के साथ लूँगी स्वीट कॉर्न। अगर आप ब्रोकली, बीन्स, गाजर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये वन पॉट रेसिपी है, इसलिए आपको मॉर्निंग की कोई भागदौड़ नहीं होगी। सिर्फ आपको थोड़ी बहुत चॉपिंग करनी है जो आप बिल्कुल फ्रेश करें। यहाँ स्वीट कॉर्न लिया है मैंने, फ्रोज़न लिया है, आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं। चलिए लेते हैं फटाफट से एक प्रेशर कुकर, गैस ऑन कर दी है और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हाई फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज को पकने दीजिए। जब प्याज थोड़ा पक जाए तब अपनी सारी ही तरह के बेल पेपर्स डालिएगा। बेल पेपर्स को बिल्कुल 1 मिनट ही लगेगा पकने में। बेल पेपर्स को और प्याज को अच्छे से मिला दें, हाई फ्लेम पे ही कुकिंग करें। अब जैसे जैसे आपकी बेल पेपर्स और प्याज पकने लगेगा, आप इसके अंदर डाल दीजिए स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को भी ज़्यादा समय नहीं लगता है पकने में। और ये जो रेसिपी है बिल्कुल शॉर्टकट रेसिपी है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यूजुअली मैं ये रेसिपी पहले सैटरडेज़ को देती थी क्योंकि बहुत सारा काम होता था। तो इसके अंदर डाल दीजिए स्पाइसेस, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, इसी के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। आप यहाँ पर ऑरिगैनो भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दें, सारे स्पाइसेस जलें। उसी से पहले आप थोड़ा सा टमाटो केचप लगभग 2 चम्मच, 1 चम्मच शेजवान चटनी डाल दें। चटपटा सा टेस्ट आएगा लेकिन थोड़ा सा मीठापन भी रहेगा इसमें। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, सॉसेज हमारे पकने लगे हैं, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कच्चा पास्ता। बिना बॉईल किया हुआ पास्ता जितना आप यूज़ करते हैं उतना ही लें। सारी सब्जियों से अच्छे से इसको मिक्स कर दें। जब पास्ता के ऊपर अच्छी सी वेजीज की कोटिंग आ जाए, सारे सॉसेस की कोटिंग आ जाए, तो आप 1.5 गुना पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। जैसे ही थोड़ा सा बॉईल आने लगेगा आप इसमें प्रोसेस चीज़ डाल दीजिए, यानी चीज़ स्लाइस डाल सकते हैं, चीज़ क्यूब डाल सकते हैं या 1 चम्मच चीज़ स्प्रेड भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद बॉईल आ चुका है, अच्छे से मिक्स करें और अब आप अपना प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए। इसकी आपको 1 विसल लेनी है हाई फ्लेम पे। कुकर को ऑफ कर दें। कुकर जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए, आपका 1 पॉट पास्ता बनके तैयार है, फुल ऑफ वेजीज। अब आप देखिए कितना खिला खिला पास्ता बनाया है। जब से ये पास्ता मैंने ट्राई किया है, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आता कि पहले हम अलग से पास्ता बॉईल क्यों करते थे और पानी क्यों डिस्कार्ड करते थे। मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई, बहुत क्विक एंड इजी है। गर्मा गर्म पास्ते को सर्व कर देंगे अपने बच्चों के टिफ़िन के अंदर। इसी के साथ बच्चों को दीजिए थोड़े से ड्राई नट्स। फ्रूट लंच देना कभी भी ना भूलें और एम्पल अमाउंट में पानी की बॉटल ज़रूर रखें, यानी अगर 1 बॉटल की ज़रूरत हो तो 1, वरना 2 बॉटल दीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल तक आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। अब आपको एक लंच बॉक्स इज रेडी।